नमस्कार, पांच टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिक्टेशन से जुड़े कुछ कठिन शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे और मैं जिन भी कठिन शब्दों को आपको लिखना सिखाऊं या बताऊं, आपको उन्हें एक अलग सी कॉपी में नोट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। एक हफ्ते में कम से कम जितने भी करवाए गए कठिन शब्द हों या वाक्यांश हो, उन सब की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इन कठिन शब्दों को लिखवाने या वाक्यांशों को लिखवाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। प्रैक्टिस ही आगे डिक्टेशन को लिखने में काम आएगी, ताकि कोई भी शब्द आपको नया ना लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद अपने आप ही इन शब्दों को बनाना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय के लिए हमारे पास सब चिन्ह है, ये रिजर्व और ये बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे है डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी। फिर है इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक। हमने क्या किया कि ल को डबल कर दिया और लाइन से काटा, इसका मतलब इसके साथ ई की मात्रा जुड़ी हुई है, यानी कि ई का स्वर ये बन गया इलेक्ट्रो और न का उप लगा के क जोड़ दिया, तो पूरा ही लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन एक तरीके से नियमों के कारण लिखा है, इसलिए बहुत कम टाइम में लिखा गया है। आगे है अमेज़ॉन पे, ये हवा में लिखा जाएगा, ए की बड़ी मात्रा है, तो ये हो गया अमेज़ॉन पे, पूरा ही लिखा है अमेज़ॉन पे, ठीक है। एक जगह का मतलब एक ऐप का नाम है ये, इसलिए इसके नीचे डबल डैस। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक भी एक नाम है, लेकिन वो सामान्य नाम है जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के अजीबोगरीब नाम थोड़े याद रखने में दिक्कत होती है, इसलिए इनके नीचे डबल डैस। आगे है ऑनलाइन पेमेंट, ये ऑन, ये लाइन, एक मिनट, इस तरीके से नहीं होगा, इसमें ये ऑन, ये लाइन और ये इसको ऊपर से काटना है और टा जोड़ना है साथ में, ऑनलाइन पेमेंट, इस तरीके से बनेगा ये ऑनलाइन पेमेंट। आगे है ई रुपये, ई रुपये को देखिए, ई के लिए हम क्या करेंगे, य का प्रयोग करेंगे, ई रुपये, और इसके नीचे भी डबल डैश करेंगे, ई रुपये। आपको दिखाई दे रहा है ई रुपये, ई रुपये। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन। आगे है ई युआन, ये शायद जापान की है या चाइना की है करेंसी, इसके लिए ई युआन, इस तरीके से लिखेंगे। आ के लिए हमने व का प्रयोग किया है, ई के लिए य का और आ के लिए व का प्रयोग करते हैं, ई युआन। आगे है पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट, ये प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट। आगे है विकासशील, विकासशील। बिटकॉइन, ये ब को आधा करके काटा, बिट और ये कॉइन, बिटकॉइन। फिर है वर्चुअल, वर्चुअल करेंसी। फिर खास तौर से, ये हो गया खास तौर से। अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आगे ये आपके काम आ सके, और प्रैक्टिस इतनी करनी है कि भाई जितने भी कठिन शब्द किए गए हो, अगर किसी भी और डिक्टेशन में आ जाए
तो आप वहाँ पर अटके ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि देखा हुआ शब्द लिखना कठिन नहीं होता है, नया शब्द लिखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।